Agitations against land acquisition have multiplied over the years. Displacement, loss of livelihood, and lack of adequate compensation have forced peasants and tribals to protest in droves all across the country, be it the POSCO site in Orissa or Bhatta Parsol in Uttar Pradesh. Displacement of forest dwellers, those who are dependent on forests for livelihood, is yet another issue. NewsClick exclusively examines one such agitation, this time against prospective loss of means of subsistence by small peasants and tribal people in Mirzapur district of Uttar Pradesh. The agitation is led by All India Democratic Women's Association and All India Agricultural Workers Union, with massive support from the local residents. Mirzapur is a lush green area, dotted with hills and abundant in water resources. The primary source of income for forest dwellers, who constitute a large chunk of the population, is subsistence farming. This is supplemented by income from work under NREGA scheme. जंगल में है बा ये काम धंधा मिल जाला कर दिला जा जंगल में और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बा वो हो जाए कुं कर लीला जा पहले गांव से जगह नहीं बा है दो लड़का हैं दो लड़का में दो हैं घर पतो हम कहीं जगह ही नहीं ताकि लकड़ी मकड़ी बेच बाच के ही पहाड़ी में बसा चाहे जब चार छः परिवार है तो वहाँ कौनो निस्तारा नहीं रहा हम लोगों के यहाँ साफ सुथरा रहा था कि अपना हमने डेरा दे दिया हमारा बाप 16 बीस साल काश्तकार है हमने चार भाई हैं चार बीस साल काश्तकार है हमारे पास छः लड़के हैं अब मेरे पास तो घर बनाने की जगह नहीं है तो हम तो भूमिहीन मानते हैं आते हैं रेंजर फॉरेस्ट गार्ड से आते हैं सब फड़काते चमकाते हैं लेकिन हाथ गोड़ जोड़ के उनसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं द इश्यू एट हैंड इज अबाउट एक्वायरिंग लैंड फ्रॉम फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉर एन अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट अ स्कीम टाइटल्ड Uttar Pradesh Participatory Forest Management and Poverty Alleviation Program, funded by an international NGO called the Japan International Cooperation Agency, is under implementation by the Forest Department of UP. The project claims that it aims to enhance forest cover in 14 districts in the area with the cooperation of local residents. NewsClick's examination in Mirzapur, however, suggests that the story is something else, and certainly not to the liking of or benefit to many local residents. The scheme envisages that a plantation drive of commercially viable trees will be carried out across the districts, and local people would plant the trees and maintain them while being paid under NREGA. ओके छोड़ दे जा वहाँ पर पौधा लगी और तरवली से घेरा जाएगा आप लोग नरेगा के तरह ऊपर काम करो 100 रुपया रोज मजदूरी मिलेगा आप लोग को लेकिन ओके बोना जोतना आप लोग के मनावा ऑल डिसीजंस वुड बी टेकन बाय अ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी एंड द प्रोड्यूस ऑफ द प्लांटेड ट्रीज विल बी इक्वली शेयर्ड अमंग द कम्युनिटी एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द स्कीम ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ रोल फॉर एनजीओस ये संगठन गाँव में जाकर के वहाँ पर उनकी उनका सर्वे करते हैं सर्वे में मुख्य रूप से इसमें ये बात है कि वनाधारित कौन परिवार उन परिवारों को जाकर के चिन्हित करना द रेजिडेंट्स हाउएवर assert दैट द ग्राउंड रियलिटी इज फार फ्रॉम द promises मेड बाय द एडवोकेट्स ऑफ द स्कीम हाउ पार्टिसिपेटरी इज द स्कीम विच क्लेम्स टू हैव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लोकल पीपल
कि ये संयुक्त वन प्रबंध नियमावली 2002 के अंतर्गत इनका निर्माण किया जा रहा है। फॉरेस्ट यूजर ग्रुप का गठन किया जाता है, सबसे पहले कहूँगा वह खुली बैठक के बाद होता है, उसमें संयुक्त वन प्रबंध समिति का चुनाव किया जाता है, उसमें जो एक्टिव सदस्य होते हैं उसके मेंबर्स बनते हैं, उन्हीं मेंबर्स में एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। कहीं भी खुली बैठकें नहीं हुई, जहाँ कुछ लोग सक्रिय थे जो समझदार हमारे साथी थे वहाँ तो पहले से ही अपना वहाँ कमेटी में हो गए, उस पर कब्जा करके रखा। प्रधान अपने हिसाब से अपने कुछ लोगों को जो उनके दायरे से बाहर न निकल सके वन समितियाँ बनाया है। एक्चुअल वस्तु स्थिति ये होना चाहिए कि जो पहले से जंगल में खेती कर रहा है, कायम है, 10-20-25 वर्षों से जमीन कोड़ रहा है, छूल काट रहा है और मेहनत से खेत बनाया है, उनको ही वन समिति में शामिल होना चाहिए। उनको पता ही नहीं है और वन समिति बन गया चुपचाप, धीरे 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 जगह जगह ये प्रधानों के चलते वन समिति का गठन हो गया। कहीं पे हमारे साथियों ने जाना, कहीं नहीं जाना, तो जहाँ जाने और लोग लड़े वहाँ पे दो चार साथी हैं अनुसूचित के जात के लोग वन समिति में। Who dominates the joint forest management committees? उन कमेटी में वो दबंग के ही जरिए वो वन वो जायका लगेगा, तो जायका की कमेटी बन गई है और जायका के नाम पर, हरियाली के नाम पर जगह जगह जहाँ जहाँ जंगलों में हमारे साथी रह रहे हैं उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है जंगल से। What happens to people on whose land trees will be planted? निकालने की बात तो कहीं से नहीं है। जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है, किसी वन क्षेत्र में रह रहा है, उसको तो जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार उसको हटाया जाएगा। वन क्षेत्र जहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण की बात इसमें नहीं आती है। अतिक्रमण तो जो है उसको खाली करने की अपनी प्रक्रिया है, उसके अनुसार अतिक्रमण खाली कराया जाएगा। ये परियोजना में मुख्य रूप से ऐसे ही गाँव लिए जाने की बात थी यहाँ पर, कि यह समस्या कम से कम हो। जहाँ पर संघर्ष नहीं है वहाँ पर तो उन्हें ऐसे करके, जैसे लालगंज के तरफ ऐसे गरीब साथी जंगल में अपना झोपड़ी लगा करके खेती कर रहे थे, वहाँ पर मिलिट्री लगा करके, फोर्स लगा करके उन सारे 200 लोगों की घर उजाड़ दिए, भगा दिए। वो पेड़ लग रहा है एकदम आज़ादी से, वहाँ पर कोई बोलने वाला है नहीं, ऐसे लगा रहे हैं। पेपर हो गया, बहुत झगड़ा भी बात अपने में कहीं कहा हो गया और ही लगा के छुट्टी छुटा हो गया, बाबा वही फसल वहाँ नहीं बुआ सका। तेदुआ कला में भी संघर्ष है, वहाँ भी मरा है उजाड़े, और रात को उजाड़े वहाँ लोग नहीं थे। Does NREGA give confidence to people to participate in this mega scheme? तो नरेगा में ये हालत है, हर जगहों की हालत हुई है कि जितना उन्होंने कानून बनाया कि 7 दिन में पैसा मिलना चाहिए, आज कह तो दिया, लेकिन जो उसमें सचिव लगे हैं, प्रधान लगे हैं, वो तो 7 दिन में अपना फाइल नहीं तैयार कर पाते हैं, 7 दिन में पैसा कौन दिला देगा। हमारे गांव स्तर में जो मनरेगा के तहत काम किया गया है वो मजदूरी भी आज तक नहीं मिली, 3 महीने हो गए। वहाँ उनका मस्टरोल न भर के, हाजिरी न लगा करके, अन्य कुछ लोगों का हाजिरी लगा करके, दूसरे जो कि कर्मी, कार्य करने वाले कर्मी नहीं हैं उनको मतलब वेतन के रूप में दे दिया जाता है। नरेगा बारह मास काम लगता नहीं है, बहुत लग गया नरेगा तो 10 दिन लग गया, 15 दिन बहुत लग गया, 15 दिन हमारे पूरे गांव पूछे क्यों एक महीना काम करे हो, 15 दिन काम लगे के बाद काम बंद हो गया। तो हो गया साल भर के बाद जब बजट आएगा प्रधान का तो नहीं या अगले साल लगेगा। The local residents voice concerns about environment and depleting forest cover themselves. जंगल है तो जल है, और जल है तो जीवन है, तो जल नहीं, जंगल नहीं होगा तो फिर जल नहीं होगा, जल नहीं होगा तो फिर जीवन नहीं होगा, तो इस बात को हम लोग भी भाप रहे हैं। और जब जायका नहीं आया था तब भी हम लोगों ने यह तैयारी किया था कि हम लोग जंगल में रह रहे हैं और जंगल में चलेंगे, खेती करेंगे, उनमें हम लोग जो चाहेंगे सो पेड़ लगाएंगे और खेती करेंगे। हमको तो रहने का मिल जाए, थोड़ा सा खाने की जगह मिल जाए, हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जंगल बचा रहे, हमारे साथी भी बचा रहे। What comes across is that the non-implementation of the Forest Rights Act of 2006 is responsible for this high-handed attitude of the Forest Department. जो उसमें नियम नियमावली बना दिया ऐसा तगड़ा कि उसके अंतर्गत एक भी लोग नहीं आए, आज भी ज्यों का त्यों वो मामला पड़ा हुआ है। शेरुआ में इसी तरीके
एक औरत बूढ़ी है, आज भी अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरी जब शादी हुई तो जब मैं दुल्हन बनकर आया तो इसी जंगल में मेरी डोली उतरी थी, मेरा घर यहीं था। आज वो औरत जिंदी है और उस जंगल से वहाँ के गरीबों को बेदखल कर दिया गया, भाग गए। आज के समझ लीजिए कि 3 पीढ़ी पहले से लोगों उस जंगल में रहते थे, माने कि शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। गवाह हैं कि सारे लोग ये बता सकते हैं कि ये लोग यही थे, लेकिन ये लोग चाहते भी नहीं हैं कि इन गरीबों को पट्टा हो जमीन। इसलिए न पट्टा हो कि इनको अगर पट्टा हो जाएगा, ये अपना जोतेंगे कोड़ेंगे कमाए खाएंगे तो फिर हम लोगों का काम कौन करेगा। Rampant corruption combined with the feeling of betrayal by the officials has galvanized the agitation in the Mirzapur forest belt. आज तक जितनी भी सरकारें और इस जंगल को बचाने में लगी है, हमारे देखने में, क्योंकि जो मेरी उम्र है, मेरी जो समझ है, हमने देखा कि बहुत सारे जगहों पर तो जंगल खत्म हो गए हैं। जो मठ है साधु संतों के, उन्होंने ट्रस्ट बना रखा है, तो वहाँ दो 5 बीघा अपना इधर उधर से लहाया और बाकी अगल बगल की जितनी वन विभाग की ज़मीनें हैं, हजारों एकड़ ज़मीन उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। बाबा लोगों ने जंगल में रहने वाले जो अधिकारी हैं वो खुद के उस जंगल के पहाड़ पत्थरों को लीलाम करते हैं और उन वहाँ जंगल की लकड़ियों को बेच देते हैं। लेकिन व्यवस्था बाकी ये हपार बालन की जितना जंगल का बोत हैं कोई रोक ना है। वो उन पचन पर देखे उ लोग से घूस ले ले इन पचे जन हर साल खाते हैं और उन लोग के कोई कार्रवाई नहीं करत हैं और हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोगों में देख कार्रवाई बैठे। पेड़े एक गांव है, वो सोनभद्र का इलाका पड़ता है, सोनभद्र और मिर्जापुर का बॉर्डर ही है। वहां पर हमने क्या देखा कि जेसीबी मशीन, जो बड़ी वाली मशीनें होती जो पहाड़ खनकर उलट देती है, तो वैसे जेसीबी मशीन से पूरे पौधे उलटवा डाले। अब पूरा का पूरा प्लाट खाली हो गया, बड़े बड़े लोगों का उस पर ट्रैक्टर चल रहा है, 40-50 बीघा लोग खेती कर। हम कह रहे हैं कि भाई ये रेंजर या फॉरेस्ट गार्ड ये कहाँ गए लोग। However, it is to be noted that wherever a united and a sustained struggle has been fought, the forest department has been forced to provide relief to the forest dwellers. Ranger ke humne unke hall ko jab ghera hai, ranger office ghera hai, to unhone kaha tha ki bhai aap jo log jahan saathi jo log jahan base hain us sthan par rahein aur apni kheti bari karein, jahan hum log jahan sangharsh kiye hain वहाँ पर कुछ न कुछ तो भय या डर वीडियो सेक्रेटरी या प्रधान जल्दीबाजी करके कुछ प्रयास करके दिला देता है। अगर जहाँ हम नहीं हैं वहाँ पर तो इतनी विपद दिखाई देती है। ये कानून लागू तहाँ वहीं होती है जहाँ शक्ति होती है। कि अक्सर करके वो महिला हमारे साथ हैं जिनको हमने जोड़ रखा है, वह दलित घर की महिला हैं। तो ये महिला समाज में निकल के आई हैं और अपने अधिकारों का लड़ाई लड़ रही हैं। सो कैसे हमने गांव में बितैली, वहाँ से तब यहाँ जंगले में ली, 10 साल हो गए जंगले में बसल है। और आन गाय हमने काम कर यहाँ जियत खात है और 10-10 पेड़ अथी आम अमृत को लगा के तैयार करी, अब 2-4 साल में फरे लगी। अब हमने ये खेते के छोड़ कर ना जब हमने के पट्टा चाहिए। अब वो जो जमीन थी जो फॉरेस्ट गार्ड ने कहा कि हम ले लेंगे, उस पर अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? मकई बो रहे हैं उस पर। आप लोग मकई? हाँ, मकई बोआ, रहर बोया है, तिल्ली बोया है उस पर। तो आप लोग माने नहीं है लेकिन, मतलब फॉरेस्ट गार्ड की? भाई कैसे माना जाइए, लेकिन जब हम लोग के भाई जेकरे पले तो जमीन अगर 10 बीघा बा, वो 4 बीघा जंगल बोता। अगर मान लें हमारे बाबू को ना है 2 बीघा जमीन बा, हम लोग 3 भाई है, कितना कितना लोग जमीन आए वो पर आप जोड़ें। द स्ट्रगल इन मिर्जापुर कंटिन्यूज। बाकी हम लोग और आइए, हम लोग चाहे हमने जवान हो जाइए, बाकी यहाँ से हम लोग हट नहीं सके, चाहे हमने के गोली चला दी, चाहे जान से मार दें, चाहे जवान कुछ कह दें। अपन बाल बच्चा 3-3 4 कैसे जी आई, वही कुछ भी हो जाए हम लोग को जमीन नहीं छोड़ी, चाहे हम जब मर मिट जाए वहाँ पर। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्कीम इज ओनली अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द लार्जर स्ट्रगल, द स्ट्रगल फॉर लाइवलीहुड, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फॉर लैंड। The story in Mirzapur fits very much with other agitations elsewhere. People with traditional livelihoods have refused to give up their lands and habitat and are struggling for their rights under law to be honored.